पिछले दिनों आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले दिल्ली के 5 पार्षदों में से एक पार्षद रामचंद्र ने आज आम आदमी पार्टी में वापसी कर ली है। उन्होंने कहा कि ये फैसला एक गलती थी और वह इसे सुधारना चाहते हैं। रामचंद्र वार्ड नंबर 28 से पार्षद हैं। रामचंद्र बवाना विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि 3 दिन पहले आप पार्षद को बरगला कर अपनी पार्टी में शामिल कराने वाली भाजपा को गुरुवार को तगड़ा झटका लगा है। भाजपा के बहकावे में आकर आम आदमी पार्टी को छोड़कर गए वार्ड नंबर 28 से पार्षद रामचंद्र अब दोबारा अपने परिवार में लौट आए हैं। आप पार्षद रामचंद्र ने पार्टी नेताओं को बताया कि उनको अपने गलत निर्णय का एहसास हुआ और उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से मिलकर दोबारा अपने परिवार में वापसी की इच्छा जताई। रामचंद्र ने बताया कि भाजपा में शामिल होना उनकी बड़ी भूल थी, लेकिन अब वो अपने परिवार में लौटकर अपनी इस भूल को सुधारना चाहते हैं। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पूरे सम्मान के साथ उनकी घर वापसी करा दी। आम आदमी पार्टी परिवार में दोबारा वापसी पर पार्षद रामचंद्र ने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं। मैंने गलत निर्णय ले लिया था, लेकिन अब मैं दोबारा से अपने परिवार में आ गया हूं। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं। आज रात में मेरे CM अरविंद केजरीवाल अब सपने में आए और उन्होंने फटकार लगाई कि रामचंद्र उठो और जाकर मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, डॉक्टर संदीप पाठक समेत सभी नेताओं से मिलो, साथ ही क्षेत्र में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलो और जनता के लिए काम करो। मुझे दोबारा अपने परिवार में शामिल करने के लिए सभी का धन्यवाद करता हूं। आज हम शपथ लेकर जा रहे हैं कि अब हम अपने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी से कभी दूर नहीं रहेंगे। कुछ लोगों ने मुझे बरगला दिया था, लेकिन अब कभी भविष्य में उनके बरगलाने में नहीं आऊंगा। इस संबंध में मनीष सिसोदिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी के पुराने साथी बवाना विधानसभा के पूर्व विधायक और वर्तमान पार्षद रामचंद्र से मुलाकात हुई है और आज वो वापस अपने आम आदमी पार्टी परिवार में लौट आए हैं।